दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ हेमंत खोड़के और HK कंप्यूटर पॉइंट से। और आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ वर्ब के बारे में। हमने देखा था इसके पहले के भी लेक्चर में कि हम वर्ब की बात जब करते हैं तो वर्ब का मतलब होता है क्रियापद। क्या होता है? और क्रियापद की जब हम बात करते हैं तो उस क्रियापद उसे कहते हैं जो वर्ड में कोई ना कोई एक्शन होती है। क्या होती है? जिस वर्ड में कोई ना कोई एक्शन होती है उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। और उस कोई भी क्रिया को हो रही है वो क्रिया, हो गई है वो क्रिया, या होने वाली है वो क्रिया, यह दर्शाने वाले शब्द को उसका सेंटेंस बनाने में जो शब्द मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हमने अब तक हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, सॉरी, हमने अब तक हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल बी, शैल बी का प्रयोग करना सीखा है। बराबर। आज हम यहाँ देखने वाले हैं कुछ नए हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैव, हैज, हैड, विल हैव और शैल हैव। मित्र हो, मैं आपको अभी जो चार्ट निकाल के दे रहा हूँ उस चार्ट को आपने पहले समझ लेना है। कृपया पढ़ते वक्त में कोई भी ना लिखे, पढ़ के होने के बाद में आपको समझ दिया जाएगा, आप उसके बाद में उस चीज को लिखिएगा। दोस्तों आपको जो भी लिखना रहेगा वो इस प्रकार से लिखिएगा। आप देखिए, जैसे मैं आपको एक कॉपी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रजिस्टर दिखा रहा हूँ, एक रजिस्टर का फुल पेज, एक पेज और एक दूसरा पेज, इस दो पेज के हमने पार्टीशन किए हैं, एक पार्टीशन, दो पार्टीशन और तीन पार्टीशन, और बाद में उस स्टडी तरीके से लिखा हुआ है। आपने भी छोटे अक्षर निकाल के एक ही लाइन में सारी चीज़ कवर करने की मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा और आप इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है? तो दोस्तों मेरा चार्ट आपके सामने प्रेजेंट में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, हम हेल्पिंग वर्ब की बात इसके पहले भी कर चुके हैं। हमने अब तक जो हेल्पिंग वर्ब देखा था उसमें हमने देखा था इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल बी और शैल बी का प्रयोग। बराबर है ना? अब तक के हम लोग ये समझ चुके हैं कि मैं ये समझ चुका हूँ कि आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी में महारत हासिल हो चुकी होगी। उसके अलावा हमने कई सारे प्रोनाउन देखे। आपको पता है प्रोनाउन किसे कहते हैं? मैंने आपको एक चार्ट बताया था, उस चार्ट में आई, वी, यू, दे, ही, हीज, हिम, ये सारे यू है ना, ये सारे जो वर्ड्स है इन सब वर्ड का मतलब आपको बताया गया था और उसके पॉसिटिव वगैरह रूप बताया गए थे आपको। वो सारा आपने याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों आप जो मुझे आपने उतना तो किया ही होगा। यहाँ से आगे मैं आपको आज ये चार्ट समझाने जा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब है द मेन वर्ड, डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, is happening in the present or will happen in the future। बराबर है ना? हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने अब तक यही सुना है कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब जो होता है उसकी जो एक्शन होती है वो हो रही थी, वो हो रही है या वो होगी। बराबर है ना? ऐसा बोलने के लिए आपको या ऐसा सेंटेंस पूरा करने के लिए आपको मदद करता है। सही है ना दोस्तों? अब हम आज बात कर रहे हैं हैव, हैज, हैड, विल हैव और शैल हैव। बराबर ना? फिर से एक बार हम लोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की बात करेंगे, पास्ट टेंस यानी भूतकाल की बात करेंगे और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब अभी जो चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं, पंखा घूम रहा है, लाइट जल रहे हैं, रोशनी आ रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सारी बातें जो अभी करंट में चल रही है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, अभी से लेके जो मैं अभी बोल रहा हूँ इससे लेके पहले तक के जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें पास्ट टेंस में हैं। जैसे मैंने चाय पी, आप सुबह 7 बजे उठे, आप 7:30 को क्लास में आए, आप रात को लेट सोए, आपने रात में सपना देखा, आपने कल खाना खाया, आपने कल गाना गाया, मतलब अब से लेके पहले की जितनी भी बातें हैं वो सारी किस में आएगी? पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, अभी जो बोल रहा हूँ यहाँ से लेके आगे होने वाली जो बातें हैं उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं, जो कि फ्यूचर टेंस में आता है। जैसे कि
मैं 8 बजे यहाँ से उठूंगा, मैं 10 बजे खाना खाऊंगा, मैं 12:30 बजे सीतामढ़ी जाऊंगा, मैं रात को 8 बजे नहाऊंगा, है ना। जो भी बातें हैं, जो हम लोग भविष्य में होने की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूचर टेंस कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज हैव और हैज की। हैव हैज दोनों का एक ही मतलब है, पास है। क्या है? हैव हैज दोनों का एक ही मतलब है, पास है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सिर्फ हैव की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? हैव की बात करने हैं। तो हैव का मतलब होता है पास है, पर आपको समझेगा कैसा पास है? मैं क्या बोल रहा हूँ, पास है ना पास है, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मैं पास है मतलब क्या? तो मेरे पास है, हमारे पास है, तुम्हारे पास है, उनके पास है, बराबर है ना। तो अगर मेरे, हमारे, तुम्हारे, उनके पास है, ऐसे कुछ बोलना है आपको, तो आपको क्या लगाना होगा? हैव मतलब एकदम सीधी सीधी बात है, आई वी यू और दे, इनके साथ अक्सर क्या लगाया जाएगा? हाँ, क्या बोलने के लिए? पास है बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मित्र, हो अगर आपको कहना है मेरे पास कार है, क्या कहना है आपको? मेरे पास कार है, आपको कहना होगा आई हैव अ कार, बराबर है ना। अगर आपको कहना है हमारे पास कार है, आपको कहना होगा वी हैव अ कार। आपको कहना है तुम्हारे पास कार है, आपको कहना होगा यू हैव अ कार। आपको कहना है उनके पास कार है, आपको कहना होगा दे हैव अ कार। समझे दोस्तों? तो आपको यही याद रखना है कि हैव मतलब पास है होता है, और आपको हैव जो है वो सिर्फ आई वी यू और दे के सामने लगाना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं हैज की, किसकी, तो हैज का मतलब होता है पास है। क्या होता है मतलब? पास है, बराबर है ना। और दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ पे हैव का मतलब भी क्या है? पास है। आपने यहाँ पे देखा हैज का मतलब भी क्या है? मतलब दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। क्या है बताओ? पास है। दोनों का मतलब क्या है? पास है। पर दोस्तों एक फर्क है, जैसे हैव का मतलब भी पास है, हैज का मतलब भी पास है, पर दोनों की लगने की जगह अलग है। आप देख रहे हैं क्या? हैव हम लगाते हैं आई वी यू दे के आगे, क्योंकि आई मतलब मैं, हमारे, तुम्हारे, उनके, है ना, इन सब के आगे हैव लगाते हैं। पर हैज जो है वो लगाते हैं उसके के आगे, किसके आगे? जैसे मान लो आपका बोलना है कि ही शी ईट या राहुल, इन सब के आगे जब भी इन वर्ड का इस्तेमाल करना है या इनके पास में कुछ है बोलना है, तो आपको क्या लगाना होगा? हैज। मतलब एकदम सिंपल सा नियम आपको याद रखना होगा कि तीन कंडीशन है इसके अंदर में। एक तो वो पर्सन थर्ड पर्सन होना चाहिए, कौन होना चाहिए? दूसरी बात, वो सिंगुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यानी अकेला होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए। और तीसरी बात, वो नाउन यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु का नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति या वस्तु का नाम होना चाहिए। तो मित्र, वो बात ऐसी है कि हैज मतलब उसके पास है। उसके क्यों बोला मैंने? क्योंकि ही शी इट या कोई नाम के आगे में क्या लगता है? हैज लगता है। आप समझ रहे क्या इस बात को? समझ रहे हैं आप बात को? नहीं समझ रहे अभी तक के? आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे बताइए पहले। देखो, आपने यहां देखा कि भाई आई वी यू दे, इसके आगे क्या लगेगा? हैव। हैव का मतलब क्या होता है? और हैज का मतलब क्या होता है?
दोनों का मतलब कैसा है? दोनों का मतलब एक ही है, पास है। पर पास है बोलने के लिए हैव लगेगा या हैज लगेगा? हमारे पास प्रोनाउन कितने हैं? हमारे पास प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई व्यक्ति का नाम। इतने अपने प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि सभी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सभी के लिए। सभी के लिए मतलब आप, अगर आपको भी कोई बोलेगा वो बोलना है आपको, तो आप बोलेंगे ही। वो लड़की को बोलना तो क्या कहेंगे? शी। बराबर है ना? हम कहना है तो हम लोग क्या कहेंगे? वही। तुम कहना है तो यू कहेंगे। यानी सभी व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बराबर है ना? इसीलिए क्या कहते हैं इसको? प्रोनाउन एंड सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें से सॉर्टिंग हो रही है कि भाई हैव जो है इसका डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? हैव के आगे किसके आगे हैव लगेगा अक्सर? यानी किसके आगे कुछ है बोलने के लिए हैव लगेगा? तो आई, वी, यू, दे, इसके आगे कुछ है, इसके इनके पास में कुछ है बोलने के लिए हैव लगेगा। बराबर है ना? जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस भी देखे। देखिए ये बात समझ में आएगी पहले आपको। अब मैं आगे की बात करता हूँ कि भाई हैज का मतलब भी पास हैज होता है, पर इसके लगने की जगह कहाँ पे है? जहाँ पे ही आएगा, शी आएगा, या इट या कोई व्यक्ति का नाम आएगा, इनके पास में कुछ है बोलना है तो आपको क्या लगाना है? हैज। अभी आप बोलेंगे भैया क्यों? ये क्यों का जवाब इंग्लिश में नहीं है, समझ रहे क्या? लगाना है यानी लगाना है, ये आपको याद करना है यानी याद करना है, बोलना है यानी बोलना है। बात समझ रहे क्या आप? इसका जवाब जो है, अगर मांगेंगे कि भाई इसके जाके हैज क्यों, इसके जाके हैव क्यों, तो इसका जवाब वो खुद जो अंग्रेज लोग हैं ना, जो अमेरिका में बैठे हैं, उनके पास भी नहीं है। ये है यानी है, बोलना है यानी बोलना है, नहीं बोलना है तो घर में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है ना। तो आपको ही, शी, इट या राहुल, इनके आगे क्या लगाना है? पक्का? अब ये ही, शी, इट, ये देखो थर्ड पर्सन है। पहले तो क्या है थर्ड पर्सन? क्या होता है पता है क्या आपको? देखो मैं आपसे बात कर रहा, मैं कौन हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा, मेरी बात कर रहा मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन। मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। क्या हूँ? मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं मान लो मोनी से बात कर रहा हूँ, मोनी कौन हो गई? सेकंड पर्सन हो गई। बराबर है ना? मैं मोनी से बबीता की बात कर रहा हूँ, बबीता कौन हो गई? समझ रहे क्या? मतलब एक एक व्यक्ति जो है वो थर्ड पर्सन है। बराबर है ना? उसके बाद में मैं हेमंत, मैं फर्स्ट पर्सन, मैं मोनी से बात कर रहा हूँ, मोनी सेकंड पर्सन, मैं मोनी से उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक लड़का जो बैठा साइड में लाल वाला, उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये ही हो गया। क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। एक वचन में है, अकेला है वो, बबीता भी अकेली है, ठीक है। अब मैं मोनी से अगर मान लो सोनी की बात कर रहा, सोनी यानी शी, वो, बराबर है ना? मैं बोल रहा सोनी को वो बड़ी बेवकूफ लड़की है, हाँ, तो ये शी हो गया, वो भी थर्ड पर्सन हो गई, एक वचन में है और किसी का नाउन है, वो क्या है? नाउन है। समझ रहे बात को? इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसके आगे में आपको क्या लगाना है? हाँ, और वो क्या है? ही, शी, इट और कोई व्यक्ति का नाम, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। समझ रहे क्या बात को? यही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास कार है, वो लड़का है, कौन है? वो लड़का है, तो आपको कहना होगा ही हैज अ कार। क्या कहना होगा? उसके पास कार है, वो कौन है? लड़की। आपको कहना होगा शी हैज अ कार। क्या कहना होगा? आपको कहना है राहुल के पास कार है, कहना होगा राहुल हैज अ कार। बराबर है ना? और दोस्तों अब ये ईट है, मैंने बताया कि भाई ईट यानी क्या होता है? कोई भी निर्जीव वस्तु या प्राणी के लिए ईट लगाते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं पंखे के पास कार है, आप ऐसे बोल सकते हैं मछली के पास कार है, नहीं बोल सकते ना। यानी ईट का सेंटेंस बनाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, ईट वाला सेंटेंस तो मतलब का ही नहीं ना, क्योंकि मछली के पास थोड़ी कार होती है। हाँ, लेकिन एक बात है, जब आपको कहना है कि उसका रंग नीला है, किसका रंग नीला है? वो मछली का रंग नीला है, उसका रंग नीला है, उसका बोलने के लिए क्या लगाएंगे? ईट लगाएंगे। मछली की बात कर रहे हैं, है ना? आप अपने दोस्त के साथ, आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं?
फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, आपके सामने फिश पॉट रखा हुआ है, उसमें एक नीले कलर की मछली है और आपको बोलना है उसका रंग नीला है, क्या बोलना है? तो आपको बोलना होगा इट हैज अ ब्लू कलर, क्या कहना होगा? समझे क्या आप बात को? डू यू अंडरस्टैंड माई थिंकिंग? ओके, आप समझ रहे क्या? तो आपके क्या कहना होगा? उसका रंग नीला है, इट हैज अ ब्लू कलर। दोस्तों उम्मीद है आपको इतना बेहतर समझा होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का समझा? या फिर से एक बार बताओ, समझा है क्या? चलिए यहां से आगे हम देखते हैं पास्ट टेंस। क्या देखते हैं? पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? और भूतकाल जो है इसमें हैड आता है। क्या आता है? आज के जो चार्ट हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो पढ़ रहे हैं, हैव हैज हैड विल हैव शैल हैव पढ़ रहे हैं, बरोबर है ना? पास्ट टेंस में क्या आता है? हैड का मतलब होता है पास्ट था। क्या होता है? हाँ, और पास्ट था जो है ना, ये सभी नाउन प्रोनाउन के आगे लगता है। किसके आगे लगता है? सभी सर्वनामों के आगे। देखो सभी प्रोनाउन के आगे आपको क्या लगाना है? हैड लगाना है। सभी प्रोनाउन के आगे आपको क्या लगाना है? हैड लगाना। जैसे सभी प्रोनाउंस कौन कौन है? आई है, ही है, शी है, इट है, यू है, वी है, दे है और कोई व्यक्ति का नाम है। इतने प्रोनाउन है अपने हाथ में। तो प्रोनाउन को अच्छे से याद कर लीजिए मतलब के साथ में, अभी अगर अभी तक नहीं किया होगा तो। हाँ, तो ये आपने देखा, इसके आगे क्या लगेगा? हैड लगेगा। हैड का मतलब क्या होता है? पास था, बराबर ना? हैड का मतलब क्या होता है? पास था। अब जो है हैड, बराबर ना, जो है हैड वो मेरे, हमारे, तुम्हारे, उनके, उसके, यानी सभी सर्वनाम जो होते हैं, ठीक है, सभी सर्वनाम प्रोनाउंस आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे या कोई व्यक्ति का नाम, या कोई व्यक्ति का नाम, उसके आगे क्या लगेगा अक्सर? उसके आगे अक्सर लगेगा हैड, पास था बोलने के लिए। यानी यहाँ पे तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। है क्या सोचने की जरूरत? जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है और हैज में। और ये छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको आपने एक बार अपने जबान पे रख लिया ना और प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समझ लीजिएगा आपको, क्योंकि इधर में और इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर में कोई सिद्धांत नहीं बना। हाँ, और सिद्धांत पहले इसमें दिख रहा आपको, है और हैज में। तो आपने हैड का जो है, जैसे आपने इसका जो है हैड का, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किसी के पास कुछ था बोलना है। जैसे मेरे पास कार थी, मैं क्या कहूँगा? आई हैड अ कार। उसके पास कार थी, वो लड़का था, आप क्या कहेंगे? ही हैड अ कार। मेरे पास कार थी, वो लड़की है, क्या कहेंगे आप? शी हैड अ कार। तुम्हारे पास कार थी, यू हैड अ कार। हमारे पास कार थी, वी हैड अ कार। उनके पास कार थी, दे हैड अ कार। राहुल के पास कार थी, राहुल हैड अ कार, ठीक है। लेकिन मछली पे, मछली के पास कार थी बोलेंगे क्या आप? कुत्ते के पास में कार थी बोलेंगे क्या आप? नहीं, वो तो बोल नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन आप क्योंकि ईट का इस्तेमाल हम कोई प्राणी या वस्तु, प्राणी के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वस्तु के लिए करते हैं, और उसके पास तो कार हो नहीं सकती ना, रह सकती क्या? नहीं, कभी भी नहीं। तो आप, लेकिन उसका रंग नीला था, ऐसे बोल सकते ना, उसका रंग नीला था, तो आपको क्या बोलना होगा? इट हैड अ ब्लू कलर। समझ रहे क्या? तो आपने इस प्रकार से इसको भी सिंपल तरीके से समझ लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का श्योर है आप? चलिए, बहुत खुशी की बात है। यहां से आगे हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। किसकी? फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल में आप देख रहे हैं विल हैव और शैल हैव। क्या देख रहे हैं? भविष्यकाल में आप देख रहे हैं विल हैव या शैल हैव।
विलहाव या शालहाव इसका मतलब होता है पास होगा या पास रहेगा। क्या होता है? पास होगा या पास रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा है आई ही शी इट यू वी दे या कोई व्यक्ति का नाम, बराबर है ना। इन सभी के आगे आपको क्या लगाना है? विलहाव या शालहाव लगाना है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको एक नियम पहले बताया था, ये नियम पुराने अंग्रेजी में सिर्फ आई और वी के आगे शालहाव लगाया जाता था। हमने कल यहाँ पे देखा था, हमने कल विल बी और शाल भी सीखे थे, तो विल बी लगा शाल भी लगाया की बात कर रहे थे, वो सेम नियम यहाँ पे है, बस यहाँ पे शालहाव है। क्या है? बाकी सभी के आगे विलहाव लगाया जाता था। इस वाक्य को नए अंग्रेजी में बदल दिया गया है एवं अब सभी सर्वनाम यानी प्रोनाउंस मतलब आई ही शी इट वी यू दे इनके आगे आप क्या लगाते हैं? विलहाव ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बराबर है ना। पुराने अंग्रेजी में सिर्फ आई और वी के आगे शाल हैव लगाया जाता था, बाकी सभी के आगे विलहाव लगाया जाता था। इस व्याख्या को नए अंग्रेजी में बदल दिया गया है एवं अब सभी सर्वनाम प्रोनाउंस मतलब आई वी ही शी आई वी आई ही शी इट वी यू दे के आगे विलहाव लगाने की मान्यता दी गई है। सभी के आगे विलहाव लगाने की मान्यता दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया आपको? इतना पक्का? ठीक है, अब अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो कैसे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की यानी भविष्यकाल की। आपने यहाँ देखा विलहाव शालहाव, विलहाव शालहाव यानी पास होना, पास होगा या पास रहेगा, है ना। तो आई ही शी इट यू वी दे और राहुल सभी के आगे आपको विलहाव लगा देना है। क्या लगाना है? पहले की अंग्रेजी में ये प्रॉब्लम था कि आई और वी के आगे क्या लगाना पड़ता था? शालहाव। बाकी सबके आगे क्या लगाना पड़ता था? विलहाव। पर अब ये प्रॉब्लम खत्म ही हो गया, यानी आपको आपके लिए और भी एक आसानी होगी। आपको ये फिर एक बात याद नहीं रखनी पड़ेगी, आपको सीधा सीधा पास्ट फ्यूचर टेंस की बात करना है। उसके पास था, है ना, या मेरे पास था या उनके पास था, तो आपको सीधा क्या लगाना है? विलहाव लगा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। उसके पास कार होगी, वो लड़का है, तो क्या बोलना पड़ेगा? ही विल हैव अ कार। उसके पास कार होगी, वो लड़की है, तो क्या बोलना पड़ेगा? शी विल हैव अ कार। तुम्हारे पास कार होगी, क्या कहेंगे आप? यू विल हैव अ कार। हमारे पास कार होगी, क्या कहेंगे आप? वी विल हैव अ कार। उनके पास कार होगी, क्या कहेंगे आप? दे विल हैव अ कार। उसका रंग नीला होगा, क्या कहेंगे आप? इट विल हैव अ ब्लू कलर। बराबर है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। तो आपको मैं ये चार्ट दे दूंगा, आप ये चार्ट बना लीजिएगा और इसका अध्ययन कीजिए। इसके पहले मैंने आपको जो सिखाया, मैंने इसके पहले आपको सिखाया इज एम आर वाज देयर विल बी शैल बी का इस्तेमाल करना, तो आपने पहले उसकी स्टडी करना है। आपने प्रोनाउन का एक चार्ट है, पता है मैंने आपको दिया था आई वी यू दे का, सबका मतलब है आपके पास में ना, आई ही शी इट यू वी दे, है ना। तो वो सब वर्ड्स का मतलब पता कर लेना है, जान लेना है। और आज मैंने जो चार्ट सिखाया, इस चार्ट का अच्छे से अध्ययन करना है। इन तीन चीज़ों के भरोसे तो आप बहुत बेहतर अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सचिन तेंदुलकर ग्राउंड पर उतरा और पहले ओवर में खूब 36 रन निकाल लिया, ऐसा खेल हो सकता है। अगर मान लो कि आपने इस दो चार्ट की स्टडी अच्छे से की, तो मतलब आप कल से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। कल से क्यों, बल्कि अभी से। कब से? अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी और स्टार्टिंग की आपकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं हेमंत खोड़के आपको मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे नए लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, नमस्कार।